शहर में लोहड़ी के त्योहार का उल्लास नजर आने लगा है। इस बार प्रदूषण की लोहड़ी मनाई जाएगी। 13 जनवरी को पंजाबी समाज की ओर से घर घर लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। वहीं मुख्य आयोजन राजा पार्क में होगा, जहां समाज के लोग सामूहिक रूप से लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित करेंगे। हालांकि इस बार शहर भर में लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित करने में गोकाष्ठ का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए अब तक 2500 किलो गोकाष्ठ बिक चुकी है। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा की ओर से समाज बंधुओं को आर्य समाज राजा पार्क में गोकाष्ठ उपलब्ध कराई जा रही है। 5 से 20 किलो तक के गोकाष्ठ के पैकेट तैयार किए गए हैं। छोटा पैकेट 50 रूपये और बड़ा पैकेट 200 रूपये में दिया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के जिलाध्यक्ष रवि नैयर ने बताया है कि जयपुर शहर में पंजाबी समाज के करीब 4 लाख लोग निवास कर रहे हैं। समाज के करीब 1.25 लाख परिवार हैं, जहां घर घर सगुन के बतौर लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। घरों में 20 से 30 किलो लकड़ी काम में ली जाती है, जबकि सामूहिक रूप से लोहड़ी जलाने पर 5 से 6 क्विंटल तक लकड़ी काम में ली जाती है। इस बार लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ी के बजाय गोकाष्ठ का उपयोग किया जाएगा। कोविड के 2 साल बाद पहली बार राजा पार्क में सामूहिक रूप से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर लोहड़ी का मेला भी भरेगा। इसमें खान पान के सभी आइटम सिर्फ 10-10 रूपये में मिलेंगे। वहीं पंजाब के सिंगर भंगड़ा और गिद्दा की प्रस्तुति देंगे। पिछले 2 साल तो कोरोना काल के अंदर कोई भी फेस्टिवल त्यौहार नहीं मनाया गया। हमारा बड़ा पवित्र त्यौहार है पंजाबी समाज का लोहड़ी, जिसको बड़ी धूमधाम से हम मनाते थे, मगर 2-2.5 साल के बाद हम पहली बार अब लोहड़ी का बड़ा धूमधाम से त्यौहार को मना रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि इस बार हमने पर्यावरण को देखते हुए और गोकाश से, गाय के देसी गौ माता के गोबर से, लकड़ी से हर जगह पूरे राजस्थान में अपील की है, जयपुर में अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में गोकाश से लोहड़ी को जलाएं, क्योंकि एक जब सामूहिक लोहड़ी जलाई जाती थी तो 5 क्विंटल लकड़ी उसमें शहीद होती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।